की बात है। एक चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि वो आपकी तरह कार्टून वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बनाए। वो चिंतित होके जा रही होती है, तभी उसको एक दूसरा पक्षी दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है और कहती है, चिड़िया बहन, मुझे कार्टून वीडियो बनाना सीखना है, क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकती हैं? अच्छा, तुम्हें कार्टून वीडियो बनाना है तो तुम बिल्कुल सही चैनल पे आई हो। बस तुम्हें ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को पूरा देखना। सोच रहे होगे कि ये वीडियो मैंने कोई लैपटॉप या कोई कंप्यूटर से बनाया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने इसी मोबाइल से ही बनाया है। ये मात्र 9000 का मोबाइल है और इसी मोबाइल से बनाया है। आपको मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपके मन में वहम होगा कि यह मोबाइल से नहीं बनता, तो ये मोबाइल से ही बनता है। मात्र 9000 का मोबाइल है और 3 साल पुराना है। इसी से ही मैंने ये कार्टून वीडियो बनाया है। तो आपको भी कोई वहम में नहीं रहना है। आपके पास जो भी एंड्रॉयड मोबाइल है उससे आप कार्टून वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपको कोई कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत नहीं है, अपने इस मोबाइल से आप कर सकते हैं। मैंने इस मोबाइल से ये क्रिएट किया है। तो चलिए, कौन सा ऐप है, कहाँ से इसे डाउनलोड करना है, कहाँ से कॉन्टेंट लेना है, कहाँ से इसे क्रिएट करना, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक वॉच करना है, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए हम इस वीडियो को क्रिएट करना स्टार्ट कर। दोस्तों, आपको वीडियो क्रिएट करने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम प्ले स्टोर पर जाते हैं और यहाँ पर आपको नीचे सर्च करना है बीबल ऐप। बीबल ऐप करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं, ये मेरे डाउनलोड किया हुआ ऐप बीबल ऐप फॉर किड, सर्च करके भी आप इसे इंस्टॉल कर देते हैं, कर सकते हैं। मैंने ये कर दिया है पहले से, देखिए मेरे ओपन है, हम इसे ओपन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से बाहर आते हैं। यहाँ आने के बाद हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इससे पहले आपको अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन कर देनी है, क्योंकि हम वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड से रिकॉर्ड करेंगे फिर इसे हम क्रिएट करेंगे। आपके मोबाइल में भी मिल जाती है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं ऊपर भी मेरे ये चालू हैं। यदि आपके मोबाइल में नहीं है तो आपको प्ले स्टोर पर जाके इसे इंस्टॉल कर देना है, इसलिए आपको इसे ऑन कर देना है अभी से। चलिए हम हमारे इस एप्लीकेशन बीबल फॉर किड को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके साथ इस प्रकार सा इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस सबके साथ इस प्रकार से ही खुलेगा। ये खुलने के बाद आपको कोने में दिख रहा होगा एक सेटिंग का ऑप्शन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कोने में यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐप मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं। ये कोने में मैंने एरो किया, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ से आपको भाषा सेलेक्ट कर देनी है। जो भी आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, जो भी भाषा रखना चाहते हैं उस भाषा को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से आपको बाहर आ जाना है। मैंने भाषा हिंदी सेलेक्ट कर दी। यहाँ पर आपको बहुत सारे ये पार्ट दिख जाते हैं वीडियो के, यहाँ से जो भी वीडियो रखना चाहते हैं उस पर टैप करके ये आएगा, कहानी डाउनलोड करें, इसे आपको टैप करना और इसे डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आपके साथ इस प्रकार से आएगा पड्डे लिखा हुआ आएगा, वीडियो डाउनलोड होने के बाद पड्डे, इस पर आपको टैप कर देना है। आज्ञा नहीं मानी, इस प्रकार से परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा। यहाँ पे स्टोरी बोलेगी और यहाँ पे लोग इसके अनुसार नाटक करेंगे। ये स्टोरी बोलती जाएगी, बोलेगा एआई वॉइस के द्वारा, और यहाँ पे लोग सारे नृत्य करेंगे स्टोरी के अनुसार। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट करने के बाद इस प्रकार से या लोगों के ऊपर टैप कर देना तो ये स्टोरी हट जाएगी इस प्रकार से, या एरो का निशान आता है उस पर आपको टैप करना है। ये अपने आप एक्टिंग करेंगे और आपको फिर इतना होने के बाद स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन रखनी है, फिर यहाँ पे आगे के पार्ट के लिए यहाँ पे टैप करना है ऊपर। यहाँ टैप करोगे तो दूसरा पार्ट आएगा, यहाँ पे इस प्रकार से टैप करना है। उसने यीशु के 7 पुत्रों को देखा, वो सुंदर और बलवान दिखते थे, उनमें से कोई नहीं। परमेश्वर ने कहा, मैं बाहरी रूप को नहीं देखता, मैं एक व्यक्ति की आंतरिक दिल की परवाह करता हूँ। ये पार्ट कंप्लीट हो गया, आपको रिकॉर्ड करते जाना, जितना वीडियो लॉन्ग चाहिए फिर से यहाँ पे ऊपर टैप करना है। यहाँ पे
ये शैने उसके सबसे छोटे बेटे को संदेश भेजा जो खेतों में भेड़े चरा रहा था। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ते रहना, जितने पार्ट रिकॉर्ड करना उतने। वही है। इस तरह दाऊद नया राजा होने के लिए या से अब दूसरा पार्ट। समय के बाद इजरायलियों ने पलिश्तियों के साथ युद्ध किया। एक दानव पलिश्ती सिपाही गोलियत ने इजरायलियों को उस हम बाहर आ जाते हैं। आपको जितना वीडियो लॉन्ग चाहिए तो ये लॉन्ग भी चलती रहेगी स्टोरी, आपको वीडियो को रिकॉर्ड कर देना है। और शॉर्ट वीडियो चाहिए तो थोड़ा बहुत करके आपको मैं आप सिखा देता हूँ डेमो के लिए। आपने गाइज अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चलते हैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। एडिटिंग वीडियो को कहाँ पे करेंगे हम आज करना सिखाएंगे आपको, काइन मास्टर में वीडियो एडिट करना। ये रहा हमारा काइन मास्टर, इसे हम ओपन कर देते हैं। ओपन में इस प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको ऊपर ही टैप करना है इस क्रिएट न्यू पे। ये क्रिएट न्यू दिख रहा है इस पे, ये वीडियो है मेरा पहले से, इसे हटा देता हूँ। इस क्रिएट न्यू पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको किससे सेलेक्ट करना है। आपको यदि लॉन्ग वीडियो चाहिए तो इसे, शॉर्ट वीडियो चाहे तो इसे। तो हम लॉन्ग वीडियो चाहते हैं बनाना तो इसे हम सेलेक्ट कर देंगे 16.9 को और क्रिएट पे। गाइज मैं आपको बहुत जानकारी अच्छी तरह से समझाता हूँ लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को जल्दी से गाइज जाके सब्सक्राइब करना है। अब दोस्तों आपको आपने अभी जो स्क्रीन रिकॉर्ड से उस कहानी को रिकॉर्ड किया है उस वीडियो को यहाँ पे ले आना। वो वीडियो कहाँ पे मिलेगा, या एक्स रिकॉर्ड में मिल जाएगा। इसे एक्स रिकॉर्ड पे जाना है और उस वीडियो को यहाँ से ले आना। मैंने ये रिकॉर्ड करके रखा है, इस वीडियो को मैं लेके आया। अब हम इसमें करेंगे एडिटिंग गाइज। एडिटिंग के बिना कोई भी वीडियो सही तरीके से हम YouTube पे अपलोड नहीं कर पाते। यदि करते हैं तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, कुछ थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब गाइज आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ स्टोरी लिखी हुई आ रही है, यहाँ पे बुक्स का एरो आ रहा है, यहाँ पे आगे बढ़ने का एरो आ रहा है, इसे हमें हटाना है। पहले फालतू पार्ट को हटाएंगे। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक नया राजा होगा, जहाँ से वीडियो सही रूप से स्टार्ट होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, दूसरा कट कर देंगे। यहाँ से गाइज हमारा वीडियो सही तरह से स्टार्ट हो रहा है। इसके पीछे का यहाँ का भाग है वो फालतू था, इसे हमें कट करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो पे टैप करना है, फिर यहाँ पे इस वीडियो को कट करने के लिए ट्रिम स्प्लिट लिखा हुआ आ रहा है, इस पे टैप करना है। हमें लेफ्ट बाइक भाग कट करना है तो ट्रिम लेफ्ट, यदि राइट बाइक कट करना है तो ट्रिम राइट पे टैप कर देना है। तो हमें ये ट्रिम लेफ्ट करना है तो हम इस लेफ्ट पे कट करेंगे। तो देखिए हमारा लेफ्ट बाइक कट हो गया। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से हमारा सही रूप से वीडियो स्टार्ट हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। उसने यीशु के सात पुत्रों को देखा, वो सुंदर और बलवान दिखते थे, उनमें से कोई नहीं। बहुत शानदार वीडियो बना है। मैं बाहरी रूप को नहीं देखता, मैं एक व्यक्ति के आंतरिक दिल की परवाह करता हूँ। यहाँ पे देखिए व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है तो इसे हमें हटाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे टैप करना है और फिर से इस ट्रिम स्प्लिट पे, यहाँ से कट नहीं कर रहे आपको यहाँ से स्प्लिट करना है। और जितने वीडियो में वाइट बैकग्राउंड आया उतने वीडियो को आपको चलाना है। यहाँ से वीडियो सही रूप से स्टार्ट हो रहा, फिर से आपको इस वीडियो पे टैप करना और ट्रिम स्प्लिट पे और यहाँ पे स्प्लिट पे टैप कर देना। अब गाइज आपको यहाँ बीच का पार्ट था, यहाँ पे आपने देखा था कि वाइट बैकग्राउंड था, उसे हटाना था। तो अब ये बीच वाले पार्ट पे टैप करना है और यहाँ कोने में आप देख सकते हैं हटाने का एरो है, इस पे आपको टैप करके बीच वाले पार्ट को अब हटा दिया। आप देख सकते हैं अब वाइट बैकग्राउंड बीच में नहीं आएगा, आप देख सकते हैं नहीं आएगा। बहुत शानदार वीडियो बना है।
देखिए यहाँ पे भी वाइट बैकग्राउंड आया गाइज, कहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे टैप करना है, फिर से इस स्केची पे और स्प्लिट पे, जहाँ तक वीडियो में वाइट बैकग्राउंड है वहाँ तक चलना है। यहाँ से सही रूप से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ फिर से वीडियो पे टैप करना, ट्रिम पे और स्प्लिट कर देना। अब बीच वाले पार्ट हैं जो यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड वाला था, इस पे टैप करके इसे हटा देते हैं। देखिए यहाँ से भी हमारा हट गया। अब देखिए यहाँ तक हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। अब गाइज यदि आप यहाँ बीच में इफेक्ट डालना चाहते हैं यहाँ पे तो भी हम डाल सकते हैं। सबसे पहले हम अब करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे ये एरो दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है, यहाँ पे एरो दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, इस एरो को हटाएंगे। एरो को हटाने के लिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा पैन जूम, इस पैन जूम के ऊपर आपको टैप करना है, दोनों उंगुलियों से इस प्रकार से इसे बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद यहाँ पे दो लाइन दिख रही है, इस पर आपको टैप कर देना है, जिससे क्या है वापस जूम छोटा ना हो जाए। अब आपको अब इसे स्टार्ट करना है। उसने ये लेके सात पुत्रों को देखा, वो सुंदर और देखिए बहुत शानदार और बलवान थे, उनमें से कोई नहीं, परमेश्वर ने कहा मैं बाहरी रूप को नहीं देता, मैं व्यक्ति। अब देखिए गाइस यहाँ फिर से ये एरो दिख रहा है क्योंकि यहाँ से दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ से, इसलिए देखिए यहाँ पे एरो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसे फिर से हमें यहाँ पे टैप करना है और इसे भी जूम करना है इस प्रकार से, और यहाँ दो लाइन पे टैप कर देना है। दूसरी बार आगे बढ़ोगे यहाँ से दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ पे भी ये एरो दिख रही है, यहाँ पे भी आपको पेन जूम कर देना है इस प्रकार से और दो लाइन पर टैप कर देना। यहाँ से भी एक पार्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये जूम किया हुआ है। अब गाइज हम क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ से एक पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ से और दूसरा पार्ट आ रहा है, यहाँ पे आपको बीच में लाइन दिख रही है, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ से आपको इफेक्ट ऐड करना है, जो भी 3D ट्रांसेक्शन डालना चाहते इस पर, और इस प्रकार से आप डाल सकते हैं, इस प्रकार से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया एक दूसरा, यहाँ पर भी हम कर देते हैं 3D ट्रांजेक्शन, या पावरफुल पे जाके ये वाला भी बहुत अच्छा होता है इस प्रकार से, ओके कर देना है। आगे बढ़ना है, देखिए हमारे यहाँ पे लग गया। अब हम एक बार स्टार्ट करते हैं, देखिए अभी यहाँ पे कैसा आपको 3D ट्रांजेक्शन मिल गया, कितना शानदार। यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा शानदार ट्रांजेक्शन 3D। इस प्रकार से गाइज आपको मेहनत करके एडिटिंग करने पर ढासू करनी पड़ेगी। अब हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब गाइज आपको इस लेयर पे आना है और यहाँ पे टैक्स पे, और यहाँ पे आपको अपनी चैनल का नाम ऐड कर देना है। मेरी चैनल का नाम ऐड कर देता हूँ, मुकेश क्रिएटर 2.2। गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज आपको नहीं भूलना है, क्योंकि सबसे पहले ऐसे वीडियो आपके पास पहुंच जाए, आपके पास सबसे पहले ऐसे नोटिफिकेशन आ जाए नए वीडियो का, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब इसे ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे कोने में या ऊपर आपको इसे सेलेक्ट कर देना है। इसमें फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से लैटिन करके या से जो भी अच्छा फॉन्ट मिलता है उसे ऐड कर देना। अब इसकी लेंथ है उसकी लास्ट वीडियो तक बढ़ा देनी है, वीडियो के बराबर लेंथ बढ़ा देनी है। अब आपको क्या करना है, अब नीचे एक कलर ऐड करना है तो आप कलर जो भी करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। नीचे ओपेसिटी है, इसको आपको 30 कर देनी है, हम इसे 30 या 29 आपको कर देनी, क्योंकि ज़्यादा गहरा ना दिखे इसलिए। अब आपको इसमें गाइज क्या करना है, एक फिल्टर ऐड कर देना है प्यारा सा, यहाँ पे टैप करना है और यहाँ पे फिल्टर मिल जाएगा, यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगता है उस फिल्टर को आपको ऐड कर देना है। मोनो है, मोनो में विविध में जो भी फिल्टर चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए बहुत शानदार फिल्टर मिल जाते हैं हमें,
फिल्टर ऐड कर देना है। नीचे एडजस्ट पेन में जाके आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर देनी है, और कॉन्ट्रेस्ट है इसको भी ज़्यादा थोड़ा कर देना है। इस प्रकार से आपको वीडियो को तैयार करना है गाइज, बहुत शानदार वीडियो बनना है। आप इसमें यदि वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या से आपको मिक्सर पे जाना, मिक्सर को ज़ीरो कर देना है इसकी वॉइस को, और आपको जो कहानी थी उसको आपको अपने कॉपी में लिख देना है, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे या से रिकॉर्ड के ऊपर जाके वॉइस को ओवर कर देनी है, क्योंकि मेहनत के बिना हमेशा फल नहीं मिलता ही है। ये मैं तो आपको खुले आम बता देता हूँ, नहीं तो कोई बताएंगे नहीं ऐसे ऐसे करना है, फिर आपका कॉपीराइट आ जाता है, आपकी चैनल बंद हो जाती है, फिर आपके जो जितने भी आपने वीडियो बनाए होते हैं उस सब पे पानी फिर जाता है। मैं बताऊँगा आपको, सही बताऊँगा, मैं कोई आपको गलत व्यूज के चक्कर में नहीं बताता हूँ गाइज। छोटी यूट्यूबर हमेशा आपको सही जानकारी बताएंगे, क्योंकि उसे नए लोगों को जुड़ना है अपने चैनल से, और बड़े लोग होते हैं यूट्यूबर वो क्या है उसे कोई परवाह नहीं होती है छोटे क्रिएटरों की। इसलिए आपको गाइस इसे कॉपी में लिख देना है, स्टोरी आपको पता थी पहले लिख हुई थी उसे अपनी कॉपी में लिख देना है, और फिर आपको यहाँ से इसके गाइज ये मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड की है, मैंने केवल डेमो के लिए रिकॉर्ड करके बताई, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार मेरे गांव की बात है, वहाँ बहुत सारे लड़के खेलते थे, कूदते थे और इंजॉय करते थे, ये बहुत सारे लोग। ये गाइज मैंने डेमो दिखाया, इस वॉइस को आप चेंज थोड़ी करना चाहते हैं आवाज़ को, तो इसके ऊपर टैप करना है, यहाँ पे नीचे आएगा वॉइस चेंजर, इस पे टैप करके आप अपनी वॉइस को चेंज भी कर सकते हैं, एलियन पे कर सकते हैं, या नीचे या किड भी कर सकते हैं, किड बहुत अच्छी होती। एक बार मेरे ये इस प्रकार से आप किड कर सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी वॉइस मेरी चेंज होगी, मैंने किस कैसी वॉइस निकाली थी और अब कैसी हो गई। एक बार मेरे गांव की बात है, वहाँ बहुत सारे लड़के खेलते थे, कूदते थे और एंजॉय करते थे, ये बहुत सारे लोग, लेकिन एक बार क्या हो गया। इस प्रकार से गाइज आपको भी अपनी वॉइस ओवर कर देनी है, और उसमें वॉइस चेंज भी कर देना, आपकी अच्छी वॉइस नहीं आ रही तो उसमें वॉइस चेंज भी कर देना है गाइज। अब गाइज आपको अपने वीडियो को सेव कर देना है, ये है हमारे सेव का ऑप्शन, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्वालिटी सेलेक्ट करनी है, हाई लो क्वालिटी रखना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लो क्वालिटी हो जाएगी, देखिए 1080 पे आपके कितनी MB 81 MB 81 MB यूज होगी, यदि आप 720 रखोगे तो 36 सीधा 50% कम हो जाएगी आपको MB के हिसाब से, जितनी आप हैवी रखोगे उतना वीडियो भी शानदार दिखेगा आपका। तो यहाँ से आने के बाद आपको MB सेलेक्ट करने के बाद सेव अस वीडियो, यहाँ पे आने के बाद आपको सेव अस वीडियो कर देना है, और लास्ट में ये तो नहीं भूलना है, ये मैं लिख रहा हूँ माई चैनल सब्सक्राइब, ये आपको नहीं भूलना, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो हमेशा मैं यूट्यूब पे यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारे और कार्टून के वीडियो डालता रहता हूँ, आपको चैनल के पेज पे जाके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे अलग अलग प्रकार के, आपको उसे भी देखना है, और आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो क्रिएट करके अपलोड करना है, आपका चैनल जल्दी से ग्रो हो जाएगा।